हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सोनम सिंह, योर इकोनॉमिक टीचर्स हेयर. वी टुडे वी विल स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स विच इज़ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक. हेयर वी फर्स्टली डिस्कस अबाउट द वट इज़ इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. वट एवर वी सी अराउंड अस इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी. अभी तक जो भी हमने देखा है, जो भी हमने समझा है, इट मीन्स सेलिंग, बाइंग, परचेसिंग, जो भी आप कह सकते हैं, कंज्यूमिंग और प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं? इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ में आती हैं. ये सब जो है वो इमर्ज होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंड इकोनॉमिक्स में. इकोनॉमिक इज़ द दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच दोज एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमंस आर स्टडी विच दे अंडरटेक टू एक्वायर स्कार्स मीन्स दैट इज़ वेल टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वॉन्ट्स. देखिए, इसमें सिंपली बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक्स जो है ये वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, उन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं जिसमें जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो भी अनलिमिटेड जो हमारी वॉन्ट्स है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए जो भी हम वेल्थ यूज़ करते हैं, जो भी रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं. यहाँ पे इकोनॉमिक्स का एक टर्म भी दिया हुआ है, विच इज़ इकोनॉमिक्स इज़ रिफर टू दैट साइंस विल स्टडी ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू वेल्थ. सो ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द ह्यूमन विच इज़ रेफर टू और रिलेटेड टू द वेल्थ इट्स कॉल्ड द इकोनॉमिक्स. हेयर वी स्टडी इकोनॉमिक्स ऑन द थ्री लेवल. फर्स्ट वन इज़ ऑन द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड लेवल, सेकेंड वन इज़ द प्रोड्यूसर लेवल एंड थर्ड वन इज़ द इकोनॉमिक एज अ होल. फर्स्ट वन इन विच वी स्टडीड अबाउट द हाउस होल्ड और इंडिविजुअल लेवल इज दैट इन इंडिविजुअल ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड बट द मीन्स टू सेटिस्फाई दैम आर लिमिटेड और स्केयर्स. दीज मीन्स आर कॉल्ड वेल्थ. ईच हाउस होल्ड लाइक टू सो यूटिलाइज इट्स वेल्थ एज टू सेटिस्फाई मोस्ट ऑफ इट्स वॉन्ट्स और टू मैक्सिमाइज इट्स सेटिस्फैक्शन. एवरी इंडिविजुअल पर्सन, एवरी हाउस होल्ड पर्सन, वो क्या करते हैं, अपना जो भी रिसोर्सेज होता है, जो भी वेल्थ होता है, उसको किस लिए यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करते हैं कि अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कर सके, अपने वॉन्ट्स जो हैं उनको क्या कर सके, सेटिस्फाइड कर सके, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको वो कंज्यूम कर सके और उसके थ्रू अपना जो भी वॉन्ट्स है उसको सेटिस्फाइड कर सके और फुलफिल कर सके. सेकेंड आते हैं आपके प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर tries to maximize his profit. Always a producer, what he try to maximize it, he always try to maximize the profit. So it related to his resources, scarce resources. जो भी producer है वो क्या करता है, अपना क्या, जो भी resources हैं, जो भी उसके पास scarcity है, scarcity means जो भी उसके पास कमी है, उससे related वो resources को apply करके और अप्लाई करने के बाद से वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहेगा कि उसको जो है वो प्रॉफिट हो. थर्ड आता है आपका, थर्ड में हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक एज अ होल. दो लेवल पढ़ा हमने. फर्स्ट में हमने इंडिविजुअल के बारे में पढ़ा. इंडिविजुअल का मतलब ये हो गया कि हम जिससे हम बिलोंग करते हैं, हर एक इंडिविजुअल पर्सन वो अपने वॉन्ट्स को सेटिस्फाइड करते हैं. दूसरे होते हैं प्रोड्यूसर जो कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं. थर्ड हमें हम देखेंगे कि इकोनॉमिक एज अ होल. इकोनॉमिक में हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक में हम सबको लेकर के चल रहे हैं और उसमें हम देखेंगे पूरी कंट्री की बात हो रही है. तो जब पूरी कंट्री की बात आती है तो यहाँ पे क्या मैक्सिमाइजेशन होता है, यहाँ पे जो मैक्सिमाइजेशन होता है वो आपका होता है कि सोशल वेलफेयर का. अगर इकोनॉमिक हमारी अच्छी हो रही है, इकोनॉमिक को प्रॉफिट हो रही है और वो मैक्सिमाइज हो रही है, इट मीन्स जो है वो सोसाइटी का भी क्या हो रहा है, वेलफेयर हो रहा है. तो यहाँ हमने तीन लेवल पे जो है ये पढ़ा है इकोनॉमिक्स किस किस लेवल पे जो है एम्प्लाई होता है. देन आफ्टर वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स. हेयर इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो कि आपको पहले से ही पता है. मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, आपका ह्यूमन बिहेवियर है. ये किस चीज़ का साइंस है, ये ह्यूमन बिहेवियर का साइंस है. इसमें हमें क्या देखा जाता है कि किस तरीके के हमारे जो बिहेवियर है, यानी एक जो कंज्यूमर होता है, जो चीज़ों को कंज्यूम करता है, जस्ट लाइक गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं उनको कंज्यूम करके और अपने वॉन्ट्स को क्या कहता है, जो कि हमारे वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं, इट्स नॉट लिमिटेड, उसको सेटिस्फाइड करने के लिए जो भी रिसोर्सेज यूज़ करता है, जो भी वेल्थ को वो एक्सपेंड करते हैं, इन्वेस्ट करता है, एक्सपेंडिचर यूज़ करता है, उसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स. सो देयर आर टू थिंग्स विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स. फर्स्ट वन इज स्कैरसिटी एंड सेकेंड वन इज चॉइस. ऑल द प्रॉब्लम विच अराइज इन द इकोनॉमिक्स इज ड्यू टू द स्कैरसिटी एंड चॉइस.
स्कैरसिटी मीन्स रिफर टू स्कैरसिटी रिफर टू द सिचुएशन व्हेन व्हाट यू हैव इज लेस देन व्हाट यू विश टू हैव. इट मीन्स इन अदर वर्ड्स स्कैरसिटी इम्प्लाइज अ सिचुएशन व्हेन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन डिमांड ऑफ रिसोर्सेज. इन अ सिंपल वर्ड अगर आपको बहुत सिंपली कहा जाए तो स्कैरसिटी का मतलब ही यही हो गया कि आपका क्या है डिमांड जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका सप्लाई क्या है कम है. तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम अराइज होंगे. सेकेंड आता है आपका चॉइस. चॉइस रिफर टू द प्रोसेस ऑफ सेलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव. इट इमर्जेस बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड टू अल्टरनेटिव यूजेस. आपका सेकेंड आता है जो प्रॉब्लम अराइज करता है इकोनॉमिक्स में वो है चॉइस. चॉइस कैसे है क्योंकि आपके जो रिसोर्सेज हैं रिसोर्सेज में कमी है दैट्स वाई हम क्या करते हैं एक कोई भी गुड है एक कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे हम क्या करते हैं तुरंत ही क्या अल्टरनेट कर जाते हैं अपने चॉइस को अल्टरनेट करके और दूसरे गुड्स पे क्या करते हैं चले जाते हैं दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को पास चले जाते हैं. तो ये भी क्या है एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स में जो कि अराइज करता है प्रॉब्लम को. देयर आर द टू प्रॉब्लम फर्स्ट वन इज स्कैरसिटी एंड सेकेंड वन इज चॉइस. नाउ हेयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्रो एंड माइक्रो. Firstly, we understand the word micro and macro. Micro means in small and macro means large. So, in microeconomics, we will study about a household, household or individual level. And in the microeconomic, we will study about the as country level as a whole. Okay, in a very simple. इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में पढ़ते हैं. जो भी इंडिविजुअल पर्सन की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में. एंड आपका जब माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जब आता है इसमें हम पढ़ेंगे कि जो भी पूरी कंट्री की प्रॉब्लम है डिफरेंट डिफरेंट जो रीजन है डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट है एक कंट्री का उसमें जो है आपका इकोनॉमिक का लेवल क्या है वहाँ क्या चॉइसेस हैं क्या रिसोर्सेज हैं एंड क्या वहाँ पे स्कैरसिटी है इसके बारे में हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में. सो यहाँ पे आपको बहुत लार्ज करके दिया हुआ है बुक में कि व्हाट इज़ मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो माइक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक वर्ड. जो माइक्रो है आपका एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब ही होता है स्मॉल जो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है. एंड फिर आता है आपका मैक्रो इट इज़ ऑल्सो टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एंड विच मीन्स इज लार्ज. यहाँ पे हम क्या करते हैं पूरे कंट्री के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे जो है वो एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट टोटल एम्प्लॉयमेंट क्या है आपकी नेशनल इनकम क्या है जनरल प्राइस लेवल क्या है इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो कि आपका है 12th क्लास में. इसके बारे में हम डिटेल स्टडी जो है 12th क्लास में करेंगे. सो हेयर इज़ अ टेबल ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो. इसमें आपको पूरा डिटेल करके समझाया हुआ है कि माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है. इसमें हम माइक्रो में कैसे इंडिविजुअल लेवल पे जो है वो स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स को एंड मैक्रो में कैसे हम जो है वो पूरा का पूरा कंट्री एज अ होल और लार्ज लेवल पे इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करते हैं. सो एंड देयर इज़ ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. हेयर इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द फैक्ट एंड द फिगर. इट फैक्ट एंड द फिगर एंड इट ऑल्सो रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर. पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर हेयर इज अ एग्जाम्पल फ्रॉम द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हाउ इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड इट इज़ ऑल्सो स्पेशल थिंग इज इट इज़ डिपेंड ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर. देयर हैज़ एग्जाम्पल 22% of population in India is absolutely poor, below poverty line. It is an observation related to the present. Present time में जो भी हमारा observation है उसके according ये कहा जा रहा है कि अभी आपका क्या है जो 22% जो है इंडिया की जो population है वो present time में क्या है below the poverty line है. okay? यानी ये गरीबी रेखा के नीचे है 22% population. तो it means ये क्या है अगर आज 22% population जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है एक पॉपुलेशन इन इंडिया अगर पॉपुलेशन इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यू क्या करती रहेगी आपकी ग्रो करती रहेगी इसी रेट पे
तो ये पॉसिबल है कि जो पॉवर्टी लाइन है 22% जो है 22% बिलो है पॉवर्टी लाइन जो इंडिया की, ये क्या होगी कि आगे आने वाला जो भी ईयर्स होंगे, जस्ट लाइक ये 2018 का जो भी आपका ये ऑब्जर्वेशन है 22%, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इन ईयर 2020 इट विल बी एक्सीड, यस इट विल बी एक्सीड, क्योंकि एक्सीड हो ही सकता है अगर ये जो पॉपुलेशन है एग्जिस्टिंग रेट पे ये ग्रो करते जाएगा। और उसके बाद से क्या होगा कि जब नेक्स्ट आपका जो भी ईयर्स आएंगे, जो भी फ्यूचर में आएगा, ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के साथ साथ ही क्या होगा, जो पॉवर्टी लाइन है वो भी क्या हो जाएगी, एक्सीड हो जाएगी। तो आपका यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है ये किस पे बेस्ड होता है, ये फैक्ट और फिगर्स पे बेस्ड होता है, इसमें कोई भी ओपिनियन या किसी भी इकोनॉमिस्ट का ओपिनियन नहीं यूज़ किया जाता है। इसके जस्ट अपोजिट आते हैं हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। देन व्हाट इज़ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज डिपेंड ऑन द ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिक्स। ये किस पे डिपेंड करता है, ये आपका डिपेंड करता है ओपिनियन पे। किसके ओपिनियन पे? जो आपके इकोनॉमिक्स हैं उनके ओपिनियन पे आपका ये डिपेंड करता है। जो जस्ट लाइक जो भी ओपिनियन किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का इकोनॉमिक्स बैठ करके जो भी सॉल्यूशन देंगे उसी को हम क्या कहेंगे, ये पूरा का पूरा कहेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जस्ट लाइक मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, गारंटी एक्ट विल वन डे ब्रिंग एन एंड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। जस्ट लाइक यहाँ पे आप देखिए जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका ओपिनियन और उनका जजमेंट क्या है कि जो मनरेगा है ये एक आपका प्रोग्राम है, ये आपका एक्ट है थ्रू द गवर्नमेंट, कि ये जो चीज़ें हैं ये क्या होगा, एक ना एक दिन क्या होगा, इंडिया से जो है पूरा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म करके रहेगा। ये उनका ओपिनियन है, बट इसका कोई भी क्या है, फैक्ट और फिगर पे ये बेस्ड नहीं है। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा क्लियर हो गया देन what is positive economics and what is what is normative economics. Positive economics is always depend on the facts and figure, and normative economics is always depend on the opinions. So this is clear, both the differences. Now here is the second last topic, what is an economic. So we will read about the economic, which is the study of human behavior, and there is what is an economy. Okay, there is an economy. This topic is that. So people perform different economic activities to earn their living. Whatever the every individual, every person of the country who involve, who indulge or who emerge in an economic activity is known as economy. Who gave goods and services, who provide goods and services to the country, to the other people, is known as a economic. बहुत सिंपल है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जो कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक कहते हैं. नाउ हेयर इज़ द लास्ट टॉपिक, नेचर एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक. हेयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक विच इज़ सॉरी इन स्टार्टिंग there is agriculture economic and industrial economic. So agriculture economic means all agriculture activity which is involved in this economy, and in industrial economic every industrial activity is involved in industrial economic. So there are three more important economics. First one is controlled economics, and centrally planned economics is that it is referred to that where the economic is very high degree control, in the high degree control it is known as the controlled economic or centrally planned economic. कहीं भी जो economics है, जो government की तरफ से rules and regulation use किए जाते हैं, वहाँ पर क्या किया जाता है, जो economic है उसकी degree क्या होती है, बहुत high होती है. It means कि government की तरफ से जो भी restrictions लगाए जाते हैं वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा strict होते हैं, वहाँ पर उसे हम कहते हैं controlled economics और centrally planned economics. सेकेंड आपका आता है दीज इकोनॉमिक्स वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज नोशनल, इट मीन्स वेरी लो. ऐसा इकोनॉमिक जहाँ पे आपका डिग्री ऑफ इकोनॉमिक, डिग्री ऑफ जो कंट्रोल है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कंट्रोल लेवल है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा लो है. सो दीज आर कॉल्ड द फ्री इकोनॉमिक्स और मार्केट इकोनॉमिक्स.
ऐसी इकोनॉमिक्स को हम क्या कहते हैं, फ्री इकोनॉमिक्स कहते हैं या तो मार्केट इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ आपकी अप्लाई है, ये इकोनॉमिक्स है आपकी यूएसए में एंड यूके में। नाउ थर्ड वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंड दिस इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमिक। हेयर इकोनॉमिक्स वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज मॉडरेट, मीन्स नाइदर वेरी लो और नाइदर नॉर वेरी हाई। यहाँ पे ये ऐसी इकोनॉमिक है आपकी जहाँ पे जो कंट्रोल है वो आपका ना ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एंड ना ही बहुत ही ज़्यादा लो है। इसको हम क्या कहते हैं, मॉडरेट कहते हैं, मीन्स मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। और ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है ये हमें आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, इंडिया में देखने के लिए मिलता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर होल टॉपिक और होल चैप्टर, आई थिंक यू विल बी अंडरस्टैंड। सो थैंक यू क्लास।